व्लादिमीर कोजलोव। गाइस 2008 में जब WWE ने व्लादिमीर कोजलोव को डेब्यू करवाया था तब WWE को व्लादिमीर से बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी। WWE चाहता था कि कोजलोव कंपनी के अगले टॉप हील रेसलर बने और जब तक कोजलोव अपने मुकाम तक नहीं पहुंच जाए तब तक WWE रुकने वाला नहीं था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि कोजलोव का अंदाज इंटरेस्टिंग नहीं था और उनके मैचेस भी खराब हो रहे थे। ऑडियंस के कोजलोव में किसी भी तरह की दिलचस्पी ना होने के बावजूद भी WWE ने उनका प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही रखा और कोजलोव कई महीनों तक लगातार मैच को जीतते रहे। आखिरकार कोजलोव 2009 में नोवे आउट पेपर व्यू में हार गए। पिनफॉल से हुई ये हार उनके एक एलिमिनेशन चैम्बर में मिली थी जिसमें कोजलोव का द अंडरटेकर ने हरा दिया था। इसी दौरान WWE कोजलोव को कंपनी का टॉप हिल बनाने पर इस तरह से जोरदार कोशिश कर रही थी कि वो रसलमेनिया 25 में कोजलोव का मैच द अंडरटेकर से मैच करवाने की सोच रही थी। और गाइज इन सब प्लान के